कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में लगातार कांग्रेसी तरह तरह से अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते आज रीवा में NSUI के छात्रों ने पानी में उतरकर अनोखे तरीके से विरोध प्रकट किया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सूरत की एक अदालत में सदस्यता का 2 साल की सजा के बाद सदस्यता के मामले में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस सड़कों में है, पूरे देश के अलग अलग हिस्से में कांग्रेस नेता अपने ही अंदाज में विरोध प्रकट कर रहे हैं, जिसके चलते रीवा में भी तरह तरह से विरोध प्रकट किया गया, जहां विगत दिनों रीवा के मुक्ति धाम में कांग्रेसी नेता पहुंच गए और मौन धारण करके बैठ गए थे, वहीं आज बीहर नदी के किनारे NSUI के छात्र पहुंच गए और अपने समर्थन अपना व्यक्त करते हुए अपने नेता के लिए जमकर नारेबाजी की। उनका साफ तौर से कहना था, जरूरत पड़ी अपने नेता के लिए तो हम जेल में भी जाने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता से डरी हुई है। जिस तरीके से उनको पदयात्रा में अपार सफलता मिली थी, अपार जन समर्थन मिला था, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के दांवपेच चल रही है, जिसकी वजह से उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए, जो निकट भविष्य में 2024 में होने हैं। लोकसभा से सदस्यता बहाल करने के लेकर तमाम तरीके के कानूनी दांवपेच में भी कांग्रेस जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर सड़क में भी लगातार प्रदर्शन जारी है। हमने रीवा के बीहर नदी में पानी में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। आज हम सब यहाँ NSUI के साथी सत्याग्रह पर जल सत्याग्रह कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी को जबरन लोकतंत्र की हत्या करके उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। एक ये भारतीय जनता पार्टी का कुशासन चल रहा है, क्योंकि इसको हम शासन का नाम नहीं देंगे, काला काला शासन है। जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई, उसके बाद उनको नोटिस दे करके उनका बगला खाली करा लिया जाता है, तो हम सब यहाँ NSUI के साथी इस बात को लेके यहाँ जल सत्याग्रह में बैठे हुए हैं कि झूठ पर है सत्य, भारी सत्याग्रह जारी। आए दिन आगे अगर अभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जेल भरो तक का आंदोलन आदरणीय राहुल गांधी जी अपने नेता के लिए करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, पहले तो उनकी छवि धूमिल करने के लिए उन्होंने उनके ऊपर करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए, फिर अब 4000 किलोमीटर की पद यात्रा उन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया है। सभा सदस्यता समाप्त की गई है, तानाशाह सरकार ने रवैया अपनाई हुई है, उसके खिलाफ आज हम NSUI साथियों के साथ जल सत्याग्रह जारी किए हुए हैं, जो भी आंदोलन कर रहे हैं साथियों के साथ, और जो लोकतंत्र को दबाने का काम कर रही है मोदी सरकार, उसको हम लोग बताना चाहते हैं कि हम युवा साथी अभी इसके लिए आंदोलन करेंगे और अपने नेता राहुल गांधी जी के, और लोकतंत्र जो खतरे में है उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ताज़ातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।